और स्मार्ट सिटी का 9 एकड़ जमीन पर 11 मंत्रियों के बंगले का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लगभग 64 करोड़ की लागत से अब बंगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। हर एक बंगले में आज की जरूरत के हिसाब से सभी सुविधाएं होंगी। स्मार्ट सिटी रांची के इस हिस्से में मंत्रियों के बंगले का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मास एंड वाइड ने इस मिनिस्टर्स बंगलो कॉम्प्लेक्स का डिजाइन बनाया है। बनने के बाद ये बंगले ऐसे दिखाई देंगे और निर्माण की जिम्मेदारी सरकार ने दिल्ली की KMV कंपनी को दी है। स्मार्ट सिटी के MD ने बताया है कि बंगले को वास्तु के हिसाब से पूर्व की दिशा में एंट्री होगी और बंगले पूरी तरह से ग्रीन एटमॉस्फेयर में दिखाई देंगे। झारखंड सरकार द्वारा जो रांची स्मार्ट सिटी के ABD एरिया में माननीय मंत्री जी लोगों के लिए आवास जो है वो बन रहा है, और ये आवास जो है वो एक ग्रीन बिल्डिंग के रूप में होगा, जिसमें जो आधुनिक जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो भी हैं मापदंड हैं उनको अपनाया जा रहा है और एनर्जी एफिशिएंट एवं तमाम सुविधाओं से युक्त जो है वो रहेंगे। जो आवासीय यूनिट है उसमें आवासीय कक्ष के साथ साथ कार्यालयीय कार्यों के संपादन के लिए भी व्यवस्था रहेगी। कंपनी ने भूमि पूजन के साथ ही साइट पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। 9 एकड़ जमीन पर 11 बंगलों का निर्माण किया जाएगा जो 4 लेन सड़क के किनारे बनेगी। इस पर लगभग 64 करोड़ की लागत आएगी। निर्माण की निगरानी जुटको करेगा। एग्रीमेंट के मुताबिक निर्माण कार्य 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। अभी जो है वो ये कार्य जो है वो वर्क अलॉट हुआ है जुडको के माध्यम से, इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं और इसका क्रियान्वयन जो है वो हमें लगता है कि समयावधि जो है वो उसके लिए 2 साल के अंदर में इसको जो है वो कम्प्लीट करना। अगले साल स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी पूरा हो जाएगा। झारखंड गठन के बाद पहली बार झारखंड में मंत्रियों के नए बंगले बनाए जा रहे हैं। बेहतर होगा कि तमाम मंत्री एक ही जगह पर निवास करेंगे। हर मंत्री के बंगले के अंदर स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, ओपन जिम जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी। रांची स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के बंगले बनाए जाने का निर्माण कार्य जुटको की निगरानी में शुरू हो गया है। एक निजी कंपनी ने इसका नक्शा बनाया है। इस नक्शे को जुटको ने अप्रूव करने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया है और ये संभवतः पहले बंगलों का डिजाइन है जिसको बुलडोजर के माध्यम से काटा जा रहा है। प्लिंथ और इसका जो बेस है वो तैयार किया जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे 11 प्लॉट कटेंगे और उस पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।